एक बार एक बंगाली पोएट ने ये बात बोली थी, बांग्ला मोदेर भाषा, बांग्ला मोदेर गौरवो, बांग्ला मोदेर आशा, यानी बांग्ला हमारी भाषा है, बांग्ला हमारा गर्व है और बांग्ला ही हमारी आशा है। बांग्ला फ्रेंच के बाद दुनिया की दूसरी सबसे आर्टिस्टिक और सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज माना जाता है। बांग्ला पूरे दुनिया में बोले जाने वाली भाषाओं में 7वें नंबर पे है और इंडिया में 2रे नंबर पे है। कुल मिला के पूरे दुनिया में 210 मिलियन लोग बांग्ला को अपना फर्स्ट लैंग्वेज मानते हैं। बांग्ला बांग्लादेश की नेशनल लैंग्वेज है और भारत के राज्य वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। बांग्ला असम और अंडमान और निकोबार आइलैंड की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। बांग्ला सियेरा लियोन नाम का एक देश का भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसके गवर्नमेंट ने बंगाली लोगों को सम्मान देने के लिए अपने देश का ऑफिशियल लैंग्वेज बांग्ला को बनाया है। 21 फरवरी 1952 को ढाका यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स ने बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट किया पूरे पाकिस्तान में बंगाली लैंग्वेज को सम्मान दिलाने के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की मौत भी हुई। उस इंसिडेंट के बाद यूनेस्को ने बोला कि हम सारे आश्चर्यचकित हैं बंगाली लोगों के अपने बांग्ला भाषा के प्रति जुनून देख के कि वो अपने भाषा को सम्मान दिलाने के लिए मर भी सकते हैं। 21 फरवरी 1997 में यूनेस्को ने बांग्ला भाषा के सम्मान में हर साल 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करने का फैसला किया। बंगाल पूरी दुनिया में अपने लिटरेचर के लिए जाना जाता है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम दोनों ही बंगालीज ने लिखा है और ये सबसे पहले बांग्ला भाषा में ही लिखा गया था। जनगण मन लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने और वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बांग्ला लैंग्वेज दुनिया का एकमात्र ऐसा लैंग्वेज है जो किसी देश की आज़ादी का कारण बना, वो है बांग्लादेश। पूरी दुनिया में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, जर्मनी, यूएसए, ब्रिटेन, सब जगह पे बंगाली रेडियो स्टेशंस चलते हैं और बंगाली न्यूज़पेपर्स बिकते हैं। बंगाली लोगों ने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसके बाद एक और बंगाली अमर्त्य सेन को भी नोबेल प्राइज मिला था। सत्यजीत रे ऑस्कर पाने वाले भारत के पहले फिल्म मेकर थे जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड मिला था। बंगालीज एकेडमिक्स में भी बहुत आगे होते हैं। चंद्रमुखी बासु जो कि भारत की पहली महिला ग्रेजुएट थी और जोसेफ बोस जो कि भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको डॉक्टर्स ऑफ लेटर्स का अवार्ड मिला था यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से। प्रोशांतो चंद्रो भारत के पहले स्टैटिस्टिशियन थे और राजेंद्र लाल मित्रा भारत के पहले इंडोलॉजिस्ट थे। ऐसे 5 बंगालीज हैं जिनको कि भारत रत्न का पुरस्कार मिला। विधान चंद्र राय, सत्यजीत रे, अरुणा असफ अली, अमर्त्य सेन और रविशंकर। बंगाली एक्टर्स की लिस्ट तो बहुत ही लंबी है, शायद लिस्ट खत्म ही ना हो। किशोर कुमार, अशोक कुमार, विश्वजीत, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, रानी मुखर्जी, काजोल, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बंगालीज बिजनेस में उतना आगे नहीं होते, पर ये फैक्ट नहीं है। बहुत ऐसे बंगालीज हैं जिन्होंने बिजनेस की फील्ड में अपना बहुत नाम कमाया है। उनमें से कुछ है विक्की चक्रवर्ती जो कि स्वीडन के सबसे बड़े होटेलियर है, सिद्धार्थ बासु जो कि बिग सिनर्जी के फाउंडर है, अरुंधति भट्टाचार्य जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर है, कुमार भट्टाचार्य, बैरन भट्टाचार्य वार्विक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के डायरेक्टर है, अमर बोस बोस कॉरपोरेशन के फाउंडर है, बोस के स्पीकर्स और साउंड सिस्टम बहुत फेमस है, वो अमर बोस की ही देन है, अशोक शेखर गांगुली हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन है, भास्कर परमानिक जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के चेयरमैन है और सुबीर राहा जो कि ONGC के चेयरमैन है, नीरज रॉय जो कि हंगामा डिजिटल के फाउंडर है, प्रोनोय रॉय जो कि NDTV के फाउंडर है और रमन रॉय जिनको इंडियन BPO इंडस्ट्री का जनक माना जाता है वो क्वाट्रो के फाउंडर है, सुब्रत रॉय सहारा इंडिया के फाउंडर है, अविक सरकार आनंदो बाजार पत्रिका के फाउंडर है। अगर हम बंगाली फिल्म मेकर्स की बात करें तो शायद ये वीडियो खत्म ही ना हो। भारत के सबसे बेस्ट फिल्म मेकर्स बंगाल से आते हैं। सत्यजीत रे, ऋतिक घटक, मृणाल सेन, ऋषिकेश मुखर्जी, ऋतुपर्ण घोष, दिबाकर बैनर्जी, अनुराग बासु एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत लंबी लिस्ट है।
नीतीश चंद्र लाहिरी एशिया के पहले लॉयर थे जो कि रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट चुने गए थे। पीसी सरकार और पीसी सरकार जूनियर दुनिया के महान जादूगरों में से एक माने जाते हैं। म्यूजिक की लिस्ट तो नेवर एंडिंग है। आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, किशोर कुमार, कुमार सानू, शान, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, बप्पी लाहिरी, बहुत सारे हैं। दोस्तों इंडियन आर्मी में भी बंगालीज का बहुत बड़ा रोल है। इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर एक बंगाली थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस टाइम आर्मी के चीफ एक बंगाली ही थे, जयंतोनाथ चौधरी। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में हमेशा से बंगालीज का दबदबा रहा है। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी और अरूप राहा जैसे बंगालीज इंडियन एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं। एयर कमांडर सुभिंद्र नाथ मजुमदार भारत के पहले मिलिट्री हेलीकॉप्टर पायलट थे। इंदिरा लाल रॉय भारत के पहले एयरफोर्स पायलट थे और उनको फ्लाइंग एस भी बोला जाता है। अब बात करते हैं रिलीजन की। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और राजा राम मोहन रॉय को कौन नहीं जानता। भारत की आज़ादी के आंदोलन में कहते हैं बंगाल का सबसे बड़ा रोल रहा है। भारत की आज़ादी के आंदोलन की शुरुआत ही बंगाल से हुई थी। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, सूर्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सारे लोग भारत की आज़ादी के केंद्र बिंदु रहे। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। मोनोतोष रॉय एशिया के पहले बॉडी बिल्डर थे जिनको मिस्टर यूनिवर्स का अवार्ड मिला था। परेश लाल रॉय जिनको इंडियन बॉक्सिंग का फादर बोला जाता है। सुधीर साहा जो कि पहली बार ग्रेको रोमन रेसलिंग टेक्निक इंडिया में लेके आए थे। सौरव गांगुली, सौरव गांगुली को कौन नहीं जानता है, भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और नई टीम इंडिया को बनाने वाले सौरव गांगुली। चुनी गोस्वामी भारत के सबसे बड़े फुटबॉल प्लेयर, 1962 में इनको एशिया का बेस्ट स्ट्राइकर का अवार्ड मिला था। स्विमिंग में बूला चौधरी वो पहली वुमेन थी जिन्होंने 7 सीज तैर के पार किया। और आरती साहा भारत की पहली वुमेन और एशिया की पहली वुमेन थी जिन्होंने तैर के इंग्लिश चैनल पार किया। मिहिर सेन पहले भारतीय थे जिन्होंने तैर के इंग्लिश चैनल पार किया था। बंगालीज अपने राइटिंग्स के लिए भी जाने जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के ही थे। तो दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बांग्ला लैंग्वेज और बंगालीज के बारे में। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है लोगों की, सबका नाम हम एक वीडियो में नहीं बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करें इस वीडियो पे। जय हिंद, जय बांग्ला।